हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका मम्मी बेबी डेयरीज में। आज की रेसिपी में मैं लेकर आई हूँ कच्चे आम की सब्जी। इसे अमरसा भी बोला जाता है क्योंकि ये आम की सब्जी होती है, कच्चे आम से बनती है। तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। कैसे मैंने बनाई, कच्चा आम लिया दो, इसे काट के उबलना रख दिया और यहाँ पे एक कटोरी गुड़ लिया और डबल इसमें पानी डाला है, तीन कटोरी पानी डाल के इसे उबलना रख दिया। और यहाँ पे कच्चे आम को इतना उबालना है कि उसका खट्टा पानी सारा बाहर निकल जाए, इतना ज़्यादा उबालने की ज़रूरत होती है इसे। और ये देखिए, ये उबल के रेडी हो चुकी है और ये अच्छे से कट रही है। ये रेसिपी इतनी ज़्यादा सिंपल है कि इसमें बहुत ज़्यादा नमक मिर्च मसाले नहीं डलते हैं, सिर्फ ज़ीरा और सौंफ ज़्यादातर इसमें डलती है। लौंग इलायची टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप डालना चाहते हैं या नहीं, अदरवाइज़ सिर्फ इसमें ज़ीरा और सौंफ का तड़का मेनली लगता है। ये गुड़ का पानी और कैरी, ये सिर्फ चार चीज़ें होती हैं इसमें मेनली इंग्रेडिएंट। तो अब हम लगाते हैं तड़का। यहाँ पे मैंने सिंपल ऑयल लिया है, सरसों का तेल, और ये मसाले इसमें डाल दिए, इन्हें अच्छे से क्रैकल कर लिया। और इनके क्रैकल होते ही यहाँ पे मैंने कच्ची कैरी डाल दी थी और यहाँ इलायची को मैंने बीच में से तोड़ के दो दो टुकड़े कर लिए थे। यहाँ पे मैंने कच्ची कैरी डाल दी और इसी के साथ मैंने नमक मिर्च और हल्दी डाल दिए। बिल्कुल आप अपनी मर्ज़ी से डालिए, जितना आपका टेस्ट है उस अकॉर्डिंग डालिए। बस इसे हिलाया, हल्का सा भुना और साथ ही गुड़ का पानी इसमें डाल दिया। अगर आप गुड़ नहीं खाते हो तो आप चीनी वाला, चीनी की चाशनी भी इसमें डाल सकते हो, बट गुड़ का एक अलग ही टेस्ट होता है जिसका कॉम्बिनेशन आम के साथ बढ़ के बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। ये सब्ज़ी इतनी टेस्टी और इतनी बढ़िया बनती है कि इसे ना भी खाने वाले बार बार मांगते हैं, और बच्चे तो इसे स्पेशली बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं क्योंकि ये सब्ज़ी अलग ही टेस्ट की होती है। अच्छा, इसे इतना उबालना है कि इसका जो पानी है वो उबल के कम रह जाए, मतलब इसे इतना उबालना होता है कि इसकी जो तरी है वो एकदम गाढ़ी हो जाए। और इसे कम से कम 10-15 मिनट लगते हैं उबलने में। और कच्चे आम तो इसमें पके ही होते हैं और इसके अंदर ये देखिए कितना ज़्यादा बढ़िया ये टेक्सचर आ रहा है इसका, सब्ज़ी का कलर भी एकदम चेंज हो चुका है। इसे आप चाहे चावल के साथ खाइए, किसी सब्जी के साथ सर्व कीजिए, सुबह नाश्ते में परांठे के साथ चाहिए खाइए, या फिर मसाला पूरी के साथ खाइए। और यहाँ बनके हमारी सब्ज़ी एकदम रेडी है। हरा धनिया इसमें नहीं डालते हैं, बट मैंने गार्निशिंग के लिए इसमें यूज़ कर लिया है। अपने बच्चों को खिलाइए, बड़ों को खिलाइए, और कोई भी गेस्ट आए तो झटपट बनाइए और इंजॉय कीजिए। ऐसी ही रेसिपीज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।